हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। देखिए, हमारे पास ये सीढ़ी मिली है। कौन सी है, क्या है, बहुत पुरानी है, किसकी है कुछ पता नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या है। तो मैं अपने लैपटॉप के प्लेयर में इसको डालता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। अभी देखते हैं ओपन होता है कि नहीं, क्योंकि कंडीशन इसकी बहुत बुरी थी। तो चलिए स्टार्ट हो रहा है, देखते ओपन होता है कि नहीं। माय पीसी में जाके अभी ये देखिए डीवीडी दिखा रहा है, इसको ओपन करते हैं। ये फाइल को भी ओपन करते हैं। ये देखिए जो नीचे दिया हुआ है, और ये शायद वीडियो है कोई, ये मेन वीडियो है। लेकिन ये देखिए विंडो मीडिया प्लेयर मैंने ऑन किया, लेकिन ये शायद सपोर्ट नहीं कर रहा है। सेकेंड वाले को भी देख लेते हैं, ये भी शायद सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अभी क्या करें, आपको आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा, क्योंकि कभी कभी और जो भी हमारा प्लेलिस्ट होता है वो सपोर्ट नहीं करता है। तो चलिए बताते हैं कि क्या करना है जिससे हम अपने वीडियो को देख सके। तो देखिए, क्रोम ब्राउज़र खोलिए, उस पर विंडो VLC मीडिया प्लेयर डालिए, और ये देखिए जो लिंक दिख रहा है इस पर क्लिक करके ये जो पेज ओपन होता है सॉफ्टमी का, इस पर देखिए फ्री डाउनलोड लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हो। मैं भी डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया। डाउनलोड हो जाने के बाद इसे हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन चालू हो गया, स्टार्ट हो गया। अभी नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, अगेन नेक्स्ट करते हैं। अभी ये यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, आप चाहे तो ये मोजिला प्लगइन ये सब चाहे तो अनसेलेक्ट कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ये कुछ ही मिनटों में इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो इंस्टॉल हो गया। अब इसको फिनिश करते हैं और ऑटोमेटिक रन होगा। तो देखते हैं इसमें हमारा वीडियो प्ले हो पाता है कि नहीं। आई थिंक इसमें हो जाना चाहिए, क्योंकि BLC बहुत अच्छा प्लेयर है। इसको कंटिन्यू कर देते हैं, और इसमें मीडिया में जाके देखते हैं DVD शो हो रहा है कि नहीं। ये देखिए DVD शो हो रहा है ओपन करके। तो अभी इसको प्ले करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ये कोई मूवी लग रही है, पता नहीं कौन सी मूवी है क्या है। तो बहुत पुरानी भी लग रही है। देखा आप लोगों ने कि वो वीडियो DVD का प्ले हो गया। इसका साउंड चेक करते हैं, साउंड भी आ रहा है। अब फोल्डर ओपन करके देखते हैं। हमने तो डायरेक्ट DVD को प्ले कर दिया था, अभी फोल्डर ओपन करके देखते हैं DVD का। ये नहीं करना था, ओपन फोल्डर करते हैं। ओपन न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं। देखिए वीडियो फाइल आ गई। अभी यही फाइल नहीं प्ले हो रही थी, अब इसको राइट क्लिक करके सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके VLC पे प्ले कीजिए, VLC मीडिया प्लेयर पे। अभी यहाँ पे आपको VLC मीडिया प्लेयर सेलेक्ट करके फिर नीचे सेलेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ये देखिए स्टार्ट हो गया वीडियो हमारा, जो कि विंडो मीडिया प्लेयर सपोर्ट नहीं कर रहा था इसको। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही
आप भी कभी सीडी प्लेयर या कोई आपका वीडियो फॉर्मेट जो कंप्यूटर पे नहीं चल रहा होगा तो उसके लिए ये बेस्ट है। VLC ऐप आप डाउनलोड करो सॉफ्टवेयर, जिसमें आप कोई भी वीडियो चला सकते हो। जैसे अभी दूसरा भी देख लेते हैं, देखिए ये भी स्टार्ट हो गया, जबकि ये भी विंडो मीडिया प्लेयर पे नहीं चल रहा था। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे कितना इजी है अपना, बस एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो और कोई भी वीडियो फॉर्मेट को हम प्ले कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।